What is going on? Welcome back to the channel. And finally, जो है guys, यहाँ पे ये game global launch हो गया है, ठीक है? आज 21 तारीख है, समय जो है guys, यहाँ पे इंडिया वालों के लिए 11:30 था रात को, बट अभी जो है आई थिंक सब लोग को जो है ऑलरेडी ये गेम डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे दिखा रहा है, ठीक है? एंड इस वीडियो में जो है guys, मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ, भाई गेम के अंदर दिक्कत है, गेम ब्लरी दिख रहा है, ठीक है? मतलब अभी जस्ट मैं सुबह उठा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ, एंड कमेंट्स आना जो है guys, चालू हो चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो पे कि भाई यू नो गेम अच्छा नहीं लग रहा है, कि भाई स्नैपड्रैगन जेन 1 है, ब्लरी ग्राफिक्स है, गेम अनसपोर्टेड दिखा रहा है, लैगी है भाई, अटक रहा है भाई, हीटअप हो रहा है, वो सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसके बारे में जो है मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है? आई थिंक बहुत सारे जनों ने जो है यहाँ पे यू नो गेम डाउनलोड करना चालू कर दिया है, बहुत सारे लोगों को ऑफकोर्स आप लोगों ने प्री रजिस्टर का बटन दबाया था, एंड जैसे ये गेम आ गया है प्ले स्टोर पर जो है लोगों को नोटिफिकेशन जा रहे हैं एंड लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है? अभी इस वीडियो में जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये सब इश्यूज या फिर ये सब चीजें जो है जो आप यहाँ पे फेस कर रहे हो वो जो है सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे फेस करना है, ठीक है? तो वीडियो जो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है डेफिनेटली जो है इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इट्स एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मे बी आपको भी हेल्प हो जाए, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जनों ने यहाँ पे न्यू इंस्टॉल किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है अभी एज अ ओल्ड वॉरजोन मोबाइल प्लेयर, ये सब मैं चीजें जो है आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो है शायद से आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर गेम प्ले खेलने का एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डेफिनेटली लाइक करना एंड ऑल्सो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना ही जो है मुझे भी हेल्प हो जाएगी ये वीडियो रीच होने के लिए, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई यहाँ पे दिक्कत फेस कर रहे हो, कौन सा डिवाइस है, मैं जितना हो सके उतना यू नो आपको हेल्प करने की, आपसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में। बट अभी जो है वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड में जो है लेटेस्ट आज का गेम प्ले है जो मैं यू नो बैकग्राउंड पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो देख के जो है मजे उठा लो, ठीक है? बट अभी जो है सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ग्लोबल लॉन्च। यस, यहाँ पे ये गेम लॉन्च हो चुका है, समय के पहले जो है लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल चुका है, एंड कल से जो है यहाँ पे VPN या फिर सर्वर जो है एक्सपांड कर दिए गए हैं, ठीक है? अभी सर्वर से बात आई, सबसे मेन बात यहाँ पे बात करते हैं सर्वर्स इशू। डेफिनेटली यहाँ पे सामने एक और मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें जो है गाइस मैं यहाँ पे सर्वर लैग का फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, ठीक है? अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स सर्वर्स बॉटल नेक हो रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वॉरजोन वालों ने अभी तक यू नो जब मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जो है गाइस पूरी तरीके से 100% सर्वर्स अप नहीं किए हैं, यू नो धीरे धीरे करके जो है गाइस वो लोग यहाँ पे सर्वर्स ओपन अप कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है गाइस यहाँ पे बॉटल नेक हो रहा है थोड़ा सा। यू नो अगर कोई आप पर्टिकुलर मैच में जाते हो तो यहाँ पे जो है सर्वर लैग देखने को मिलता है, आपकी लेटेंसी, आई मीन गेम स्मूथ 60 पे चलता है लेकिन आप जो है थोड़ा रबर बैंड हो रहे हैं, आगे पीछे ऐसे आपका कैरेक्टर हो रहा है या फिर यू नो एनिमी हो रहा है, तो वो जो है सर्वर इशू है। यहाँ पे आपको पता है भसड़ मच रही है भाई, भसड़ मच रही है, लोग डाउनलोड कर रहे हैं और अभी जो है खेलने के लिए भाई गेम के अंदर आ रहे हैं, तो उस वजह से जो है यहाँ पे सर्वर पे लोड आ रहा है। बट कोई टेंशन नहीं, ऑफ कोर्स इट्स एन एक्टिविजन भाई, AAA स्टूडियो है, तो यहाँ पे जो है वो लोग सर्वर यहाँ पे जितना हो सके उतना जल्दी एक्सपांड करेंगे, एंड होपफुली जो है आपको वो सर्वर लैग का इशू ज्यादा यहाँ पे देखने को ना मिले, बट फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा आएगा, ठीक है? समझ लो भाई इतना सारा प्लेयर बेस अभी इस गेम के अंदर ज्वाइन इन हो रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं सर्वर के अंदर, एंड यस जो भी मैं अभी दो गेम्स आई थिंक मैंने आज खेले ना, आई कैन टोटली फील कि भाई रियल प्लेयर्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? हार्डली मुझे एक बॉट मिला पूरे मैच में, बट इट इज कंफर्म कि रियल प्लेयर्स की जो है सभी भसड़ मचने वाली है और धमाकेदार और मजा जो है इस गेम में खेलने को मिलने वाला है, ठीक है? अब ये थी बात गाइस अबाउट द सर्वर लैग, ठीक है? अभी सेकंड जो बात आती है वो है यहाँ पे अनसपोर्टेड GPU या फिर भाई मेरे मोबाइल तो अच्छा खासा केपेबल है लेकिन फिर भी जो है डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा, ठीक है? अभी इसका जो प्रॉब्लम है वो भी जो है ऑफिशियल प्ले स्टोर का हो सकता है, आप क्लियर डेटा क्लियर कैश करके देख लो अगर गेम आपको यू नो इंस्टॉल का बटन आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो थर्ड पार्टी APK से या फिर थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यू नो टैप वगैरह से, उसमें से जो है गाइस डाउनलोड करके आप खेल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐप के यू नो रेफरेंस दे देता हूं, वो चाइना वाला ऐप भी अच्छा खासा है अपडेट डिटेक्ट कराने के लिए वगैरह वगैरह, अदरवाइज APK प्योर है, टैप है, तो उसमें से आप डाउनलोड करके खेल सकते हो, ठीक है? अगर आपका डिवाइस यहां पे गाइस सीरियसली आउटडेटेड है, 2GB रैम है, 3GB रैम है, तो उसमें ट्राई मत करो, ठीक है भाई? अंडा भुर्जी बन जाएगी आपके डिवाइस की या फिर आप बना सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। सो अगर आपको वो एरर आ रहा है तो वो भाई वैलिड है, ठीक है? लेकिन अगर आपका हाई एंड डिवाइस है, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं यार ये तो कुछ ग्लिच है, गेम इंस्टॉल करने का बटन आना चाहिए, तो अगर वैसी सिचुएशन है तो गाइस थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड कर लो, कोई टेंशन नहीं, एंड अभी जो है सबको अब VPN का कोई चक्कर नहीं है, डाउनलोड कहीं से भी कर लो, गेम जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है रही बात अबाउट द लॉगिन, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जनों ने पूछा कि भाई जो 2-factor ऑथेंटिकेशन है वो हर बार करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा या फिर इंपॉर्टेंट है फिर नहीं है, ठीक है? अभी वो देखो गाइस आपका पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको 2-factor ऑथेंटिकेशन ऑन करना है कर दो, एज अ यूट्यूबर भाई मैं हर चीज को 2-factor ऑथेंटिकेशन करता हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है किसी भी अकाउंट से, ठीक है? तो इसलिए मैंने ऑन किया है। एंड रही बात की हर टाइम वो पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा, तो हर टाइम नहीं पूछेगा, ठीक है? एक बार आपने वो कर दिया ना उसके बाद कभी भी आप गेम के अंदर जाओगे खेलने के लिए आपको नहीं पूछेगा, अनलेस एंड अनटिल
आप गेम का क्लियर डेटा करते हो, अगर आपने क्लियर डेटा कर दिया तो आपको फिर से वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा या फिर वो कोड डालना पड़ेगा, जो कि है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस या फिर थोड़ा यू नो कंटाल आता है उसमें। तो अगर आपने क्लियर डेटा किया तो उस टाइम यू नो जब आप फिर से गेम ओपन करोगे तब आपको करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने गेम री इंस्टॉल किया तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ऐसे सिचुएशन है जब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो फिर से करना होता है, अदरवाइज एक बार आपने कर दिया एंड एक बार आपने गेम रख दिया आपके डिवाइस में तो कोई टेंशन नहीं, जब भी आपको खेलना है ओपन कर देना, आपको फिर से कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज थी अबाउट द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड वो जो है आई थिंक ओनली एक्टिविजन अकाउंट के लिए है। अब मुझे पता नहीं और लॉगिन मेथड कितने हैं, क्योंकि मैंने जब से वॉरजोन मोबाइल बीटा यू नो लिमिटेड रिलीज आया है मैं एक्टिविजन अकाउंट से कर रहा हूं, तो आई हैव रियली नो आइडिया कि कितने लॉगिन मेथड्स है, फेसबुक वगैरह है या नहीं, आप मुझे बता दो यार कुछ गूगल फेसबुक का लॉगिन मेथड है या नहीं। बट यार रिलेटेड अबाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वैसा सीन है, ठीक है। एंड अभी जो है उसके बाद बढ़ते हैं अबाउट द ब्लरी ग्राफिक्स, लैग मार रहा है, हीट अप हो रहा है, तो ये सब के बारे में जो है यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अभी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वॉरजोन मोबाइल जो है ना ये थोड़ा अलग गेम है, ठीक है। इस गेम के अंदर ग्राफिक सेटिंग्स है यू नो लाइक मिड मिनिमम हाई पीक तो छोड़ ही दो, पीक एंड्रॉइड डिवाइसेस में किसी में भी नहीं है, ठीक है। पीक जो है ओनली M2 चिप आईफोन के डिवाइसेस में है 15 सीरीज एंड उसके बाद M2 एंड आईपैड, ठीक है। बट जो है ग्राफिक सेटिंग्स रिलेटेड मैं आपको एक चीज कहता हूँ, इस गेम में जो है ना ऐसा नहीं है कि जब आप गेम डाउनलोड करते हो तभी के तभी सब ग्राफिक क्वालिटी सब टेक्सचर्स एक साथ डाउनलोड होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है अगर आपने जो है फ्रेश इस गेम को इंस्टॉल किया, अभी आपने भी ये फेस किया होगा एंड इस वजह से आपको ऐसा यू नो वो ब्लरी ग्राफिक्स दिख रहे हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दो, ठीक है। फटाक से डिलीट मत कर देना गेम, मैं आपको बता दूं क्या सीन है। अगर आपने फ्रेश ये गेम इंस्टॉल किया, जब आप पहली मैच खेलोगे यू नो या फिर जो भी है सब मेथड कर लिया, ट्यूटोरियल खेल लिया, उसके बाद जब पहली मैच खेलोगे, पकड़ लो दूसरी मैच भी खेलोगे, तीसरी मैच भी खेलोगे ना, तो क्या होता है वो जब आप पहली मैच खेल रहे हो तब जो है गाइस यहाँ पे स्ट्रीम एंड डाउनलोड ऐसा कुछ तो टेक्नोलॉजी है इस गेम के अंदर। तो जैसे जैसे आप ये गेम खेलोगे ना वैसे वैसे जो है गाइस वो ग्राफिक्स डाउनलोड होते हैं, वो इंस्टॉल होते हैं एंड वैसे वैसे आपको गेम बेटर दिखता जाता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि भाई हमने 100 मैच खेल लिए तो भाई ये गेम 8K पे चला जाएगा, यू नो वॉरजोन पीसी की तरह देखने को चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक लिमिट है उसकी। आई होप वॉरजोन ऑलरेडी वो अगर कुछ यू नो मीटर डाल दिया होता कि भाई सब डाउनलोड हो गया, ये जो है बेस्ट ग्राफिक्स होंगे तो अच्छा होता। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने एक गेम खेला ना तो उस एक गेम में जो है जैसे जैसे आप खेल रहे हो उसी प्रोसेस में जो है यू नो बैकग्राउंड में वो डाउनलोड हो रहा है, ग्राफिक क्वालिटी टेक्सचर्स एंड वो अप्लाई हो रहे, ठीक है। अभी आपको फर्क कब देखने को मिलेगा पता है, अभी ऑफकोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर डिवाइस, आपका डिवाइस कितना पावरफुल है, कैसे हैंडल कर रहा है वो सब चीजें। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो यू नो लाइक 4-5 मैच खेल लो, ठीक है, 4-5 मैच जैसे ही खेल लोगे ना आपको जो है गाइस फर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफिक्स बेटर दिखेंगे, रेजोल्यूशन बेटर दिखेंगे, टेक्सचर्स बेटर दिखेंगे, तो वैसे वैसे जो है आपको वो गेम बेटर दिखता जाएगा। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा लाइक यूनिक कोई तो प्रोसेस इन्होंने डाला है, बट ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। इस वजह से जो है काफी लोगों को यहाँ पे गेम प्ले जो है ब्लरी दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द रीजन वॉरजोन ने जो है ऐसी कुछ तो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है, टेक्नोलॉजी या फिर फीचर कि भाई अगर आपका यह पहला मैच है डेफिनेटली ग्राफिक्स टट्टी दिखेंगे, ब्लरी दिखेंगे, लेकिन थोड़ा समय दो, एक दो मैच खेलो, वैसे वैसे जो है आपको जो है शायद से फोर्थ या फिर फिफ्थ मैच में जो है फर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड रही बात अबाउट द ओवरहीट इशू, तो ओवरहीट भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट मैच सेकंड मैच जैसे जैसे आप खेल रहे हो ना वो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। बैकग्राउंड में आप खेल भी रहे हो, ग्राफिक्स डाउनलोड हो के वो इंस्टॉल भी हो रहे हैं, अप्लाई भी हो रहे हैं, तो उस वजह से वो फर्स्ट एंड सेकंड मैच शायद से आपको यू नो लाइक वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो वॉरजोन मोबाइल का है वो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई बहुत गर्म हो रहा है यार, या अटक भी रहा है, ये सब भी हो रहा है, वो सब भी हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति, आई कैन टोटली फील यू। बट ऐसे जो है फिलहाल के टाइम में वॉरजोन वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ 3-4 मैच खेल लो, आपको डेफिनेटली थोड़ा हीट होगा, डिवाइस थोड़ा नहीं चाहते बहुत भी हो सकता है, डिपेंड्स कौन सा डिवाइस है, बट ऐसी सिचुएशन है, एक बार 4-5 मैच खेल लो, उसके बाद जो है गाइस सब जैसे डाउनलोड हो गया, यू नो गेम सेटल हो गया, सब इंस्टॉल हो गया अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको यहाँ पे गेम के अंदर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यस यहाँ पे गाइस ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, सच में कह रहा हूँ, गेम ऑप्टिमाइज फील हो रहा है। आज जो है गाइस मैंने ROG पे ट्राई नहीं किया, आज मैं शायद से जो है गाइस शाम को स्ट्रीम करूंगा, ठीक है, शाम को 5 या फिर 6 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, मिडनाइट नहीं करूंगा क्योंकि मिडनाइट कल मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, सुबह जल्दी उठना है, सो दैट्स द रीजन मैं मिडनाइट नहीं करूंगा। गेम वैसे भी ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, तो गाइस शाम तक डाउनलोड कर लेना, ठीक है, शाम को भसड़ मचाने वाले हैं, शाम को स्ट्रीम में आ जाना भाई, एक साथ खेलेंगे, ट्राई आउट करेंगे, लोगों को भाई कैसे कैसे परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं सब जो है बातचीत करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के टाइम में जो है ऐसी सिचुएशन है इस गेम की, आई नो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट मैंने जैसे समझाया आपको, 3-4 मैच खेल लो, उसके बाद देखो कि आपके डिवाइस में अच्छा चल रहा है, फिर नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है
रखो, अपनी प्लेस्टेशन का वेट करो, ठीक है। बट दैट इज इट गाइस, इतना आज की वीडियो में। जरूर बता देना आपके क्या थॉट्स है वॉरजोन मोबाइल के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जो है गाइस भाई भर जाओ, यू नो लाइक आपके एक्सपीरियंस बताओ कैसा चल रहा है गेम, मोबाइल फटने के कगार पे है या फिर जो भी है। आई एम एक्साइटेड टू रीड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.